दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख पा रहे हो एक बेटी और एक माँ की, ये वो माँ है जिन्होंने अपने एक लड़के से प्यार के लिए, ये दोनों एक ही लड़के से प्यार कर बैठी और एक ही लड़के प्यार के चक्कर में अपने पति और अपने पिता को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हो ये उन दो दरिंदी औरतों की तस्वीर हैं जिन्होंने एक लड़के से प्रेम के चक्कर में अपने पिता और पति को मार दिया। कहानी क्या है, क्या है घटना, पूरी बात बताऊँ विस्तार से मैं कुछ वीडियोज़ के अंदर, वीडियोस के एंड तक जरूर बने रहे। तो आपको बता, भालपुर जिले के रमेश्वर गांव में एक दास नाम का व्यक्ति रहता था जो कि एक छोटा सा होटल चला करके अपना गुजर बसर किया करता था। उसके साथ में उसकी पत्नी और उसकी बच्ची हमेशा उसकी मदद किया करते थे उसके काम काज में। उस होटल पर लोगों का आना जाना लगा रहता था, कभी ट्रक वालों का तो कभी रिक्शा वालों का तो कभी वहाँ के आम लोगों का। वहाँ पर अधिकतर एक व्यक्ति जो बार बार आया करता जिसका नाम दिनेश था, जो दिनेश हमेशा उस होटल पर आया करता था और दिनेश अधिकतर उस होटल पर खाना खाने के बाद में रुका करता। उसके बाद में दिनेश की थोड़ी उनसे बातचीत होने लगी, दास से उसकी बातचीत होने लगी। उसके बाद में उसकी पत्नी जिसका नाम विमला देवी था और उसकी लड़की जूली, दास ने कुछ टाइम तक तो ये सब कुछ सहा, लेकिन उसके बाद में दास को ऐतराज होने लगा। दास कई बार उनको रोकता भी था लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। उसके बाद में जो उसकी पत्नी थी विमला देवी और उसकी बच्ची जूली भी उससे मजाक किया करते थे, वो उनके इतना करीब आ गई थी जो उसकी पत्नी थी विमला देवी वो उस दिनेश के इतना करीब आ गई थी उससे बातचीत करने लगी थी और वो बहुत ही ज़्यादा उनके करीब आ गई थी। अब जो दिनेश था वो उनके घर भी जाया करता था, उनसे अधिकतर बात किया करता था, वो कभी विमला जो घर होया करते थे घर भी चला जाया करता। इस बात से दास को बहुत ही ज़्यादा गिला हुआ कर दी, बहुत ज़्यादा नफरत हुआ कर दी। लेकिन इन हरकतों से उनकी पत्नी विमला देवी कभी बाज नहीं आती थी। जब उसकी इस हरकतों को उनकी बच्ची जूली देखा करती थी वो भी इसी बात को लेकर के जो उसकी माँ करती वो उसी तरीके से वो भी उसे बात करने लगी, बातचीत करने लगी, मजाक मस्ती किया करने लगी। इस बात को देख कर उसकी जब विमला देवी उसकी पत्नी ने देखा कि उसकी बच्ची भी उसी हरकत में जैसा वो कर रही उसी ऐसी हरकत वो भी कर रही है, बजाय उसको समझाने के उसे डांटने के उसे कुछ नहीं कहा, उस बात पर कोई भी ऐतराज नहीं जताया, बल्कि खुश और हुई कि अब मेरे साथ में बल्कि एक बंदी और हो गई, अब आराम से इस बंदे से बात कर सकते हैं। अब ये जो दिनेश था वो इन दोनों के इतना करीब आ गया कि हो सकता है वो उनसे आपस में प्यार करने लगा, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा मुलाकात करने लगा। अब दास की जो पत्नी थी विमला देवी वो दिनेश के बहुत ज़्यादा करीब आ गई। अब उन्होंने दास को रास्ते से ख़त्म करने की सोची। एक दिन विमला देवी ने दिनेश को फ़ोन किया रात को लगभग 2 बजे करीब और उसे कहा कि हमारे बीच में जो कांटा है वो अब हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें अब ये मिलने नहीं देता और हमारी बातों पर ऐतराज़ करता है, हमें बहुत ही ज़्यादा डांटता है, तो इसलिए अब हमें इस रास्ते से इस कांटे को ख़त्म करना होगा। और उसके बाद में उन्होंने दिनेश को घर पर बुला लिया। दिनेश रात को 2 बजे घर पर आता है, उसकी बच्ची जूली दरवाज़ा खोलते, उसके बाद में वो तीनों जाते हैं और जहाँ दास सो रहा होता है उस खटिया को उस खार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद में जो दिनेश होता है वो उस दास की गर्दन को बड़ी ही तेज से दबाता है और उसकी बच्ची और विमला देवी दोनों एक खंजरों से चाकुओं से दास पर बहुत ही तेज़ी के साथ में वार कर देते हैं। वार इतनी तेज़ी था और इतनी जल्दी के साथ किया गया था कि दास की आवाज़ भी मुँह से बाहर नहीं निकली और उसने कब दम तोड़ दिया पता भी नहीं लगा। उसके बाद में तीनों खून से लहूलुहान हो जाते हैं। वहीं उसी जगह पर जहाँ दास सोया हुआ था वहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है और वहाँ पर दास को एक गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। दास का एक बेटा भी था जूली से बड़ा जो कि बाहर काम करता था, वो दूसरे दिन घर पर आता है और उससे पूछता है कि पिताजी कहाँ पर, विमला देवी से उसके पिता के बारे में पूछता है और जूली से अपनी जो कि बहन थी उससे पूछता है अपने पिता के बारे में, लेकिन कहीं से कोई भी जवाब नहीं आता है। उसके बाद वो बाहर जाकर गाँव वालों से पूछता है अपने पिता के बारे में लेकिन कहीं से उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद में वो जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर वो इस बात की FIR दर्ज कराता है। जैसे ही इनको पता लगता है जूली को और विमला देवी को कि उनका बड़ा बच्चा उनका लड़का वहाँ पर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने गया, तो वो भी दिखावे के लिए फटाफट उसके पीछे जाती हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद में जैसे वो पुलिस स्टेशन वापस आने की सोच रहे थे कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि एक घर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। पुलिस जैसे उनके घर पर जाती है तो पता लगता है कि ये तो उन्हीं का घर है जो कि आज FIR दर्ज कराने के लिए आए थे। उसके बाद में वो जहाँ से बदबू आ रही थी वहाँ उस जगह को पुलिस सर्च करती है, देखते और वहाँ पर उस जगह को खुदवाती है। जैसे वहाँ खुदवाती है तो पता लगता है कि वहाँ पर उनका ही पिता उनका ही पति दास जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस सख्ती से छानबीन करते हैं, सख्ती से छानबीन करने के बाद में पता लगता है कि उनकी बेटी और पत्नी ने और उनके एक आशिक ने मिल करके उसका दास का कत्ल किया था। उसके बाद में तीनों को आ रहा
अटैच कर लिया जाता है। अब दोस्तों ये था एक छोटा सा किस्सा, इसमें आपको क्या लगता है, आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या ये प्यार था या फिर दिखलावा था या फिर क्या था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब के लिए गुड बाय।